अक्सर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि अगर मेरे सेक्सुअल बॉडी पार्ट में गुप्तांगों पर तिल है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तमाम साहित्य इसके बारे में बताया गया है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी चेहरे के बारे में 28 तिल की 30 तिल की चर्चा करी थी। आज प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द सारे तिलों की चर्चा बहुत डिटेल में करने वाले हैं, संकेत निधि और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो क्या कहता है। तोड़ मरोड़ के कोई बात नहीं, सीधी सीधी जो शास्त्र कहते हैं और उसका आज के परिपेक्ष में क्या संबंध है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, मेल के बारे में भी, फीमेल्स के बारे में भी, और सारे तिल, अलग अलग प्रकार के तिलों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मां कालका को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो प्राइवेट पार्ट्स पर तिल अपने आप में ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्व रखता है। विशेष रूप से तिल का स्थान वह संकेत देता है कि उस जगह का स्थान वाला प्लैनेट और राशि को एक्स्ट्रा बल मिल रहा है। जैसे कि किसी के, आपने देखा है कुछ बड़ी एक्ट्रेस हैं जिनके यहां पे तिल है तो उनकी खूबसूरती बढ़ा देता है। मतलब तिल या तो उस पार्ट की खूबसूरती बढ़ाता है या कम करता है, मतलब आपके उस पार्ट के प्रभाव को बढ़ाता है या कम करता है। वही डेफिनेशन प्राइवेट पार्ट पे भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, मेल्स के लोअर बॉडी पार्ट मतलब प्राइवेट पार्ट्स के दाईं ओर तिल मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है, और मंगल एक उग्र राशि है, मेष राशि इसके स्वामी, मेष राशि के स्वामी होते हैं, उग्र होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, डोमिनेटिक होते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग बेड प्लेजर के मामलों में इनकी इच्छा ज्यादा रहेगी, इनका मूलाधार चक्र के आसपास का एरिया एक्टिवेटेड रहेगा, खास तौर से डोमिनेटिव भी रहेंगे अपोजिट जेंडर की तरफ, अपोजिट जेंडर से लाइफ में डोमिनेटिव रहेंगे। यही बात करें अगर लेफ्ट साइड तिल की, जनरल बात कर रहा हूं, मेल फीमेल कोई भी हो, लेफ्ट साइड तिल की शुक्र से संबंधित और वृषभ राशि से संबंधित माना जाता है, जो कहा जाता है बहुत ही धनी होते हैं, पैसे रुपए वाले होते हैं, पैसे की कभी कोई लाइफ में कमी नहीं रहती, मल्टीपल पार्टनर आते हैं, प्रेम में यकीन करते हैं, लड़ाई झगड़ा या उग्रता इनके स्वभाव में नहीं होते। देखिए कितना फर्क आ गया बाएं और दाएं तरफ प्राइवेट पार्ट्स पे तिल होने पर। तो इसी को ही सामुद्रिक शास्त्र संकेत निधि में डिटेल में समझाया गया, बताया गया है। अब लोअर बॉडी पार्ट में खास तौर से प्रोस्टेट एरिया, जिसे हिंदी में अंधकोश भी आप कहते हैं, वहां पर तिल चंद्रमा और कर्क राशि से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कर्क राशि मतलब खास तौर से भावनात्मक होता है ऐसा व्यक्ति, और अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला होता है। तो ये एक मोटी सी बात आपको समझाई, अब जनरल बात करते हैं, उसके बाद फीमेल फीमेल के सारे तिलों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात देखिए, कहीं भी प्राइवेट पार्ट पर तिल हो तो निश्चित तौर पर वो एरिया एक्टिवेटेड है, और मूलाधार चक्र जो कि हमारा सात चक्रों में इंपॉर्टेंट चक्र है, वो आध्यात्मिक और भोग, मतलब उसी चक्र से भोग भी मिलता है, उसी चक्र से योग भी मिलता है। अब आप किधर जाना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर स्पॉट कहां पर है, वो तिल किस रंग का है, तिल कितना बड़ा है, वो तिल मेल के है या फीमेल के, उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो मैं देख रहा हूं ज्यादातर साहित्य यही लिखा है कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे तिल है तो आप बहुत ज्यादा बेड प्लेजर वाले व्यक्ति होंगे, जो कि गलत है। अब आप समझ गए, इसीलिए मैंने समझाने की कोशिश करी कि मंगल भी है, शुक्र भी है, चंद्रमा भी है, मेष राशि भी है, वृषभ भी है, कर्क भी है, और मूलाधार राशि, मूलाधार चक्र में मकर कुंभ मीन राशि का डोमिनेंस है। मीन राशि आध्यात्मिक राशि, भावनात्मक राशि, किसी की बातों में आ जाने वाली राशि, तो इसलिए प्राइवेट पार्ट्स का तिल बहुत इंपॉर्टेंट तिल हो जाता है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। निश्चित तौर पर प्राइवेट पार्ट पर जिसके भी तिल है वो दयालु स्वभाव के होते हैं, खास तौर से गिव एंड टेक में यकीन रखते हैं, ऐसा नहीं होता है, सबकी भावनाओं को कद्र करते हैं ऐसे लोग, खास तौर से अच्छा पैसा भी होता है अगर वो अच्छे तिल में आता है तो। अच्छा तिल खराब तिल में बता चुका हूं, लाल रंग का तिल हो चाहे ब्लैक कलर का हो, दोनों खराब अच्छे हो सकते हैं, मेन मेल के है फीमेल के है। जैसे फीमेल्स के बाईं तरफ का तिल अच्छा होता है, मेल्स के दाईं तरफ का तिल अच्छा होता है, ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट पर तिल होने का मतलब ये कहीं ना कहीं होता है कि आपके अंदर या तो आध्यात्मिक पावर बहुत है या सेक्सुअल पावर बहुत है, तो आप एक जगह तो बहुत फोकस करेंगे करेंगे ही लाइफ में,
और जहां पर फोकस करेंगे वहीं पर ही गतिविधियां ज्यादा हो जाएंगी, मल्टीपल पार्टनर हो जाएंगे, और अगर अध्यात्म में करेंगे तो वहां पर एक अच्छा नाम शोहरत कमाएंगे। और ऐसे लोग अक्सर देखा गया सन्यासी तक हुए। तो खास तौर से इसलिए इस तिल को सिर्फ और सिर्फ बेड प्लेजर तक सीमित ना रखें। अब बात मेल और फीमेल के पर्टिकुलर स्पॉट की, मेल्स के अगर यहां पर है तिल तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप पे चैनल का लिंक, फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक दिया जा रहा है, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए नीचे लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे मेल्स की। मेल्स पर तिल प्राइवेट पार्ट्स पर तो निश्चित तौर पर यौन इच्छा को दर्शाता है, निश्चित तौर पर दर्शाता है। राइट लेफ्ट का तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे देखना है। लेकिन ऐसे लोग प्रेम में ईमानदार भी होते हैं। मल्टीपल रिलेशन तभी होते हैं जब सामने वाला भी इनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर पाता या फिर वहां से प्रेम में कमी होती है। ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, सुख का सूचक होता है ये तिल, निश्चित तौर पर आगे बढ़ाता है लाइफ में। ऐसे लोग बहुत मेटलिस्टिक होते हैं क्योंकि मूलाधार चक्र मेटलिज्म भी देता है अगर स्पिरिचुअलिज्म देता है तो। अब बात आगे पढ़ते हैं स्पॉट्स पर। देखिए प्राइवेट पार्ट्स के, मेल के प्राइवेट पार्ट्स पे अगर राइट हैंड तिल है तो जीवन काल में कई लोग मिलेंगे आपको, कई लोगों से संबंध होने के चांसेस भी होंगे, खुले विचार के होंगे आप, उदार व्यक्ति होंगे आप, आपका नजरिया हमेशा ही इजी गोइंग होगा, किसी भी चीज के बारे में राय बनाने से पहले बहुत सोचेंगे, एक अच्छे इंटेलिजेंट विचार प्रक्रिया वाले आदमी होते हैं जो हर चीज को बहुत सोचता है। राइट हैंड साइड पे मेल्स के तिल होने पर रोमांटिक होते हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। लेकिन अगर तिल खराब है, मतलब मोटा है, काला है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत बड़ा तिल, मसे जैसा तिल अच्छा नहीं माना जाता है, तो चीजें अच्छी नहीं होती। छोटा सा तिल है या एक है, दो या तीन, तो ये राइट साइड अच्छा माना जाता है। निश्चित तौर पर आपका जो प्राइवेट पार्ट का बेस है उससे जितनी दूरी पे तिल होगा उतने ज्यादा आप इमोशनल होंगे, संवेदनशील होंगे, और आपको प्रेम वगैरह में उतना ही ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, अब बेस पर अगर तिल है प्राइवेट पार्ट के तो निश्चित तौर पर काफी एनर्जेटिक होते हैं, वफादार होते हैं अपने रिलेशन के प्रति। ऐसा व्यक्ति नेम फेम पाता है और खास तौर से एक के बाद दूसरे साथी की तलाश नहीं करता है, बहुत प्रिंसिपल्ड होता है। बट हाँ, साथी और उसकी अगर ट्यूनिंग, क्योंकि वहां कुंडली का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है, अगर मिलती है तो रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट पर तिल जितना छोटा, जितना साफ, चाहे ब्लैक हो चाहे रेड होगा, उतना ही लाभ मिलेगा, उतने ही जीवन में लाभ मिलेगी। लेफ्ट हैंड पे अगर तिल है तो ऐसे लोग मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ जा सकते हैं। हालांकि पैसा रुपया खूब आता है, पैसे रुपये की कहीं कोई कमी लाइफ में नहीं रहती है, और अपोजिट जेंडर भी इनकी तरफ बहुत खुश रहता है क्योंकि इनका लुक्स बहुत अच्छा होता है। लेफ्ट हैंड साइड मेल्स के तिल आपके लुक एंड फील को भी दर्शाता है, ओवरऑल वो बहुत अच्छा होता है, मैटलिस्टिक लाइफ रहती है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहती है, जीवन में बहुत बेहतर रहता है। अगर लेफ्ट राइट दोनों साइड तिल है तो बैलेंस होते हैं, समझते हैं कि लाइफ में कहां तक जाना है, कितना जाना है, क्या डिसीजन कब लेना है। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आध्यात्मिक और मेटलिस्टिक दोनों वर्ल्ड पे डोमिनेंस रखते हैं, अच्छा प्रभाव रखते हैं और दोनों वर्ल्ड को एंजॉय करते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति एक तरह से पूर्ण व्यक्ति भी कहलाया जा सकता है। अब बात करते हैं फीमेल्स की। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, कलर, साइज सब मैटर करता है। तो फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट पे अगर दाईं ओर और बाईं ओर तो क्या हो सकता है, क्योंकि यहां पे भी वही चीज है। निश्चित तौर पर थोड़ा सा ऐसे लोग, फीमेल्स को अगर लोअर बॉडी पार्ट में तिल है तो थोड़ा सा दिक्कत धरा हो सकता है। ऐसे लोगों को बच्चों में दिक्कत हो सकती है, डिले हो सकता है, और छोटा मोटा फैमिली से खास तौर से अनबन बनी रहती है। निश्चित तौर पर अगर वहां पर तिल है तो रिश्ते एक से ज्यादा हो सकते हैं या अफेयर हो सकते हैं। इसका मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो गए, सिर्फ अफेयर, जस्ट आप इंटरव्यू ब्रेक हो गया, इस तरह की चीजें भी होती हैं। बट ये तिल निश्चित तौर पर अपोजिट जेंडर को फीमेल्स के बॉडी पार्ट में कहीं भी अट्रैक्ट करता है। और अब आगे बढ़े, राइट हैंड साइड थोड़ा सा परेशानी भरा होता है, और कभी कभी कुछ डिसीज के लिए, अगर आपको लोअर बॉडी पार्ट में कोई भी डिसीज है, किडनी, यूरेटर, यूट्रस, इनसे संबंधित कोई भी डिसीज है, आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेफ्ट हैंड तिल वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स पर लेफ्ट हैंड तिल निश्चित तौर पर
मल्टीपल रिलेशन की तरफ भी ले जाता है। लेकिन पैसा बहुत होता है और ऐसे लोग फीमेल्स प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल होती है। अब बात करें वेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा करती हैं, और राइट हैंड साइड होता है तो बहुत ही ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होती हैं। तो वही मैंने कहा कि लेफ्ट राइट कलर सब मैटर करता है। फैमिली ओरिएंटेड होती हैं, अपने अपोजिट जेंडर अपने पार्टनर के प्रति बहुत ईमानदार होती हैं और खास तौर से अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहती हैं ऐसी वुमेन। निश्चित तौर पर जो तिल है उसी से किसी को जज नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीजें हैं, लेकिन उसका एक प्रभाव है। अब वही प्रभाव अगर कुंडली में भी दिखता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा शुक्र है एक स्थान मंगल है बॉडी पार्ट्स में प्राइवेट पार्ट्स पे, तो अगर शुक्र मंगल की युति हो गई है कुंडली में तो वो फिर दिक्कत ज्यादा कर सकता है। अदरवाइज यहां से जजमेंट नहीं करना चाहिए, ये चीज बहुत गलत होती है। निश्चित तौर पर अगर आपके नाभि के जस्ट नीचे है तो निश्चित तौर पर वो तिल बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी फीमेल बहुत आगे जाती हैं, अपनी भावनाओं के प्रति बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं, और खास तौर से ये तिल लाइफ में तरक्की धन रुपया पैसा अच्छा देता है। अब बात कर लेते हैं हिप्स के। अगर हिप्स की बात करें तो वहां पर भी तिल अपने आप में बुद्धिमत्ता दर्शाता है। खास तौर से ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ऐसे लोग दूसरों का कम सम्मान करते हैं, विद्रोही हो जाते हैं सब समटाइम। लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा गरीबी का सामना करना पड़ सकता है फीमेल्स को, और लाइफ में पति का या पार्टनर का कम साथ मिलता है ऐसे लोगों को। और यही तिल अगर दाई ओर है तो बड़ा इंटेलिजेंट वाइज और स्वतंत्र विचारों वाला और खासतौर से बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ साथ धनी भी बना देता है। अब फीमेल्स के हार्ट के आसपास की बात करें तो लेफ्ट पर तिल होने पर यह महिलाएं बहुत ही इंटेलिजेंट होती है लेकिन क्लेवर भी होती है। राइट हार्ट के आसपास, हार्ट एरिया के आसपास अगर तिल है तो ऐसे लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा बहुत बनी होती है, धनी होती हैं, एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं लेकिन मेटलिस्टिक लाइफ जीती हैं। हार्ट के बीचों बीच तिल है तो निश्चित तौर पर कोई इश्यू आ सकता है, हेल्थ इश्यू आ सकता है, संतान से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हार्ट जहां खत्म हो रहा है, स्टमक एरिया जहां शुरू हो रहा है, अगर वहां के पार्ट में तिल है तो ऐसे लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो तिल निश्चित तौर पर स्ट्रगल कराता है और सम टाइम लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी देता है। तो आज आपने जाना कि खास तौर से सेकंड फेज के चेहरे के बाद के अदर तिल का क्या होता है। अगली बार बात करेंगे पैरों के एरियाज के तिल, पैरों के आसपास तिल, वहां पे तिल का क्या असर होता है डिटेल में। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद।